10 सिलेंडर की है और इसमें आपको 4 स्ट्रोक मिल जाएंगे। अब हम इसके सीसी की बात करते हैं यानी इंजन की, तो इसमें आपको पता ही एक सिर्फ लिखा रहता है 200 सीसी, लेकिन ये होती नहीं है। ये है 199.5 सीसी। अब हम बात करते हैं इसके टॉर्क की। इसका टॉर्क आपको मिल जाएगा 19.1 Nm का, इट मीन्स 8000 RPM। अब बात करते हैं इसके पावर की। इसका पावर आपको मिलेगा 25.1 BHP, इट मीन्स 10000 RPM। अब इसके आपको फ्यूल सिस्टम की बात बताते हैं। इसका फ्यूल सिस्टम मिल जाएगा फ्यूल इंजेक्शन का, और इसका पेट्रोल टाइप मिलेगा, आपको पेट्रोल की मिलेगी, सीधी सी बात है भाई। और आपको इसका फ्यूल कैपेसिटी 11 लीटर का मिलेगा। अब इसका आपको हम एवरेज के बारे में बताते हैं। कंपनी एवरेज कहती है कि 35 किलोमीटर पर लीटर आपको एवरेज दे। अब हम बात करते हैं इसके ABS की। भाई ये ABS वाली नहीं है, आपको इसमें मिल जाती है दो वेरिएंट, जैसे ABS में ही मिल जाएगी और नॉन ABS में मिल जाएगी, लेकिन ABS और नॉन ABS में कोई फर्क नहीं है दोस्तों। ABS में बस दोनों ब्रेक्स का ही सिस्टम है उसमें, ऐसा कोई नहीं है। और इसकी टॉप स्पीड जो कंपनी कह रही है 135 किलोमीटर पर आवर, ये चली जाती है इतनी तो पहुँचती है, गारंटी भाई KTM है। और सेल्फ मिल जाता है आपको इसमें, किक की कोई सुविधा नहीं है। तो अब आप फिर से देख सकते हैं इसमें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कुछ मिस्टेक्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।